नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर में नगर पालिका के परिषद के सभासदों का अनिश्चित काल धरना चौथे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व विधायक पंडित सुदेश शर्मा ने भी सभासदों को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर दर्जनों सभासद मौजूद रहे। शहर को पहले भी उन्होंने विनाश से विकास की ओर ले गए थे, वर्तमान में भी ये विकास की बात करते हैं और करते रहेंगे। उनका कहना है जब तक जिंदा हूँ इस शहर का विकास करूंगा। एक जोरदार ताली सभी सभाओं में मन चाहिए से लोग उनके लिए जोरदार ताली उनके सम्मान में जीत करें। प्रशासन को, नगर पालिका प्रशासन को यह भी चेताना चाहता हूं कि वो ये सम्मानित सभासद ये अकेले 20-25 इनकी संख्या नहीं है, पूरा शहर इनके साथ है, तमाम दल इनके साथ है, पूरे शहर का एक एक नागरिक इनके साथ खड़ा हुआ है। जिस दिन ये लोग आवाज देंगे तो मैं भी इनका वोटर बन के, क्योंकि मैं विधायक बाद में बनता हूं, चेयरमैन बाद में बनता हूं, मैं भी किसी न किसी सभासद का वोटर हूं और उस वोटर की हैसियत से मैं अपने उस सभासद को नेता मानते हुए उसके साथ खड़ा हुआ हूं। और जिस दिन वो आवाज देगा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं क्योंकि वो कोई गुनाह नहीं कर रहा, वो शहर की भलाई के लिए। आज शहर की जो दुर्दशा है, किस तरीके से हमारे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, बहन बेटियां घरों से नहीं निकल सकती, पूरे शहर की दुर्दशा है। अभी मैं विनय पार्क गया था, विनय पार्क किनके उसमें लगता है कौन सा, हाँ आपको मालूम होगा सभासद जी, एक महिला और उनकी बेटी जो बीटेक में पढ़ती है समर्थन में। और मैं कहना चाहूंगा कि जब नगर पालिका में तो प्रशासन आराम से काम कर रहा है भाई, और आप लोग यहाँ किनारे पर बैठे हो, तो मेरे विचार से तो फिर ये धरना दो दिन का, दोनों माँ बेटियां खत्म हो जाए। तो इस तरीके का माहौल, पूरे शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, पूरा शहर खोद रखा है साहब, कोई बेतरतीब तरीके से काम कराया जा रहा है। नगर पालिका में कोई अब गिनती नहीं बची है भ्रष्टाचार की, कितने % कमीशन साहब, पूरा का पूरा नगर पालिका प्रशासन और यहाँ के प्रतिनिधि बिल्कुल उसमें भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और कमीशन गिनने में लिप्त है केवल, और दूसरा कोई काम नहीं। ऐसे में एक हमारे सभासद साथी की मजबूरी होती है, वो सबसे नीचे के पायदान से शुरू होता है और सब सभासदों को मिलाकर के बोर्ड बनता है, और उस बोर्ड की ही तो ताकत है साहब नगर पालिका के अंदर। और मैं तो पहले देखता था कि हमारे सम्मानित सभासदों का कोई बोर्ड पर नाम तक नहीं लिखवाता था, जहां वो मोहल्लों में या वार्ड में जो है वो होते थे। भाई रईसुद्दीन भी हमारे साथ में जब उस समय भी सभासद थे, पुराने सभासद हैं, बहन जी थी हमारे साथ में जब सभासद थी, तो ये भी हम लोगों ने उसी समय परंपरा शुरू की थी कि माननीय सभासद का नाम भी उस बोर्ड के ऊपर लिखा जाए। कोई सुनता नहीं, या फर्जी प्रस्ताव लिख लिए जाते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा था सूचना के माध्यम से भी और आप लोगों ने भी डाला था उसमें कि फर्जी प्रस्ताव लिख लिए जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि असली ताकत अगर कोई है नगर पालिका की तो वो बोर्ड है साहब, और उस बोर्ड के उन सभासदों का, उन मेंबरों की यदि आप बात नहीं सुनेंगे, उनके बताए के अनुसार नहीं चलेंगे, केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, तो निश्चित रूप से शहर की इसी तरीके से दुर्दशा होगी। और मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, सभासद साथियों, आप अपने फर्ज पर, अपने कर्म पर डटे रहिए, ईश्वर आपके साथ है, शहर की जनता आपके साथ है, जनता सब देख रही है, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन आप अपना फर्ज पूरा करिए और जहां भी हम लोगों की जरूरत हो हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। जिन पेड़ों का उन शौचालयों की हालत देखिए क्या हो रही है, ये जो हमारे अब के चेयरमैन हैं कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही ये कुछ करने की सोच रहे हैं। तो मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि भगवान
अब की बार ऐसे चेयरमैन को चुनना जो हमारे यहाँ कार्य करे। धन्यवाद। पंडित सुदेश शर्मा जिंदाबाद, पंडित सुदेश शर्मा जिंदाबाद, पंडित सुदेश शर्मा जिंदाबाद। चलो साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।